Hey guys, subscribe Narcissus and press the bell icon for get the latest notification. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद रैशनल का पार्ट टू की कल अपन ने डिस्कस किया था पार्ट वन। ये वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लेना। आपको इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख लेना या ऊपर कम आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। तो कल अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज अपन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन अपन ने कल अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, आज अपन डिस्कस करते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं फीवर, हेडक एंड न्यूकल रिजिडिटी। न्यूकल रिजिडिटी होती है नेक स्टिफनेस, आर क्लासिकल सिम्टम्स सीन इन ए अल्जाइमर डिजीज, बी ब्रेन एब्सेस, सी मेनिनजाइटिस, डी पार्किंसन डिजीज। राइट आंसर होगा इसमें सी मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के अंदर ये क्लासिकल सिम्टम है, फीवर, हेडेक और न्यूकल नेक स्टिफनेस या न्यूकल रिजिडिटी। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज ए एग्नोसिया, बी एप्रेक्सिया, सी एफेजिया, डी इंसोमनिया। राइट आंसर होगा इसमें सी एफेजिया। एफेजिया क्या है, ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, ये डैमेज और इंजरी टू लैंग्वेज पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट्स मोर कॉमन इन ओल्डर अडल्ट, पर्टिकुलरली दोज हु हैव हैड ए स्ट्रोक। एफेजिया गेट इन द वे ओ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड वर्ड। एफेजिया डज नॉट इम्पेयर द पर्सन्स इंटेलिजेंस। पीपल हु हैव एफेजिया मे हैव डिफिकल्टी स्पीकिंग एंड फाइंडिंग द राइट वर्ड टू कम्प्लीट देयर थॉट। दे मे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जेशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिंग रिटन वर्ड, राइटिंग वर्ड्स एंड यूजिंग नंबर्स। नेक्स्ट, क्लासिकल सिम्टम ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ए होमन साइन, बी मसल पेन, सी साइनोसिस, डी स्वेलिंग। राइट आंसर होगा इसमें सी साइनोसिस। क्लासिकल सिम्टम ऑफ डीवीटी इंक्लूड लेग पेन इंक्लूडिंग टेंडरनेस ऑफ द टच डैट में वॉर्सन वेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड लेग, स्किन डिस्कलरेशन एंड वार्म एंड रेडनेस ऑफ द स्किन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीवीटी से ये अक्सर आता रहता है एग्जाम के अंदर। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम डैट एन अडल्ट मस्ट टेक इज 40 से 50 मिलीग्राम, 4 से 5 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम, 4000 से 5000 मिलीग्राम। राइट आंसर इज सी 400 से 500 मिलीग्राम। नेक्स्ट, मरास्मस डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए प्रोटीन एंड कैलोरीज, बी प्रोटीन, सी कैलोरी, डी ऑल ऑफ द अबोव। मरास्मस है, इसके अंदर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से ये कॉज करती है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज एनर्जी न्यूट्रिएंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन द डाइट। वन ऑफ द बेनिफिशरीज फॉर ICDS प्रोग्राम इज चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, चिल्ड्रन अबोव 6 ईयर, एडोलेसेंट गर्ल, एडोलेसेंट बॉय। राइट आंसर इज ए चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975। द ICDS स्कीम इज टुडे वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। इट्स एम इज टू प्रोवाइड
न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हेल्थ केयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर सिक्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मॉर्टेलिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। ये इंटेग्रेट चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम है जो मेनली माल न्यूट्रिशन के लिए, मॉर्टेलिटी कम करने के लिए, और स्कूल से जो ड्रॉप आउट होते थे, जो बच्चे नहीं जाते थे स्कूल, उनके लिए 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मेनली फाउंड इन टू ए इन्फेंट अंडर वीनिंग, बी प्री स्कूल चिल्ड्रन 3 to 5 ईयर, सी अडल्ट, डी ए एंड बी। राइट आंसर इज डी ए एंड बी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मेनली फाउंड इन इन्फेंट अंडर वीनिंग एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर, तो इन पर थोड़ा सा फोकस करना। नेक्स्ट, सीवियर मसल्स वास्टिंग ग्रोथ फेल्यूर एंड लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट आर द फीचर ऑफ, ए क्वाशियोकोर, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी, डी मरासमस। राइट आंसर इज डी मरासमस। सीवियर मसल्स वास्टिंग ग्रोथ फेल्यूर एंड लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट आर द फीचर ऑफ मरासमस। नेक्स्ट, मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड हाउ मैनी कैलोरीज एंड प्रोटीन्स पर डे, ए 300 कैलोरीज एंड 6 से 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, बी 200 कैलोरीज एंड 6 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, सी 300 कैलोरीज एंड 8 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, डी 200 कैलोरीज एंड 8 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। राइट आंसर इज सी 300 कैलोरी एंड 8 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इन सेप्टेम्बर 2004 द स्कीम वॉज डिवाइज टू प्रोवाइड कुक्ड मिड डे मील विद 300 कैलोरी एंड 8 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन टू ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to 5 इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल एंड EGSAIS सेंटर्स। नेक्स्ट, ए पेशेंट कम्स टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद साइन ऑफ क्लोटिंग प्रॉब्लम, ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स सस्पेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ, ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, डी आयरन। राइट आंसर इज बी विटामिन के। विटामिन के का इंजेक्शन कौन से रूट से लगता है, कौन सी मसल्स पे लगता है, एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IM इंजेक्शन वास्टस लेटरलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्टलोपिया एंड बाइटोट स्पोर्ट आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन सी एंड डी विटामिन डी। राइट आंसर इज ए विटामिन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द डिफरेंट आई साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन आर ग्रेडेड बाय द WHO आर नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, बाइटोट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल अल्सर कवरिंग लेस देन 1/3 ऑफ द कॉर्निया, कॉर्नियल अल्सर कवरिंग एटलीस्ट 1/3 ऑफ द कॉर्निया, डिफाइंड एज कैराटोमेलेसिया, कॉर्नियल स्कारिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। 32, द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन हॉस्पिटल, ए ब्लू, बी वाइट, सी ब्लैक एंड वाइट टॉप, डी ऑरेंज। राइट आंसर इज सी ब्लैक एंड वाइट टॉप। इम्पोर्टेंट है सिलेंडर के जो टाइप होते हैं उनके अंदर। मैंने हर एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए हैं एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट,
कैलोरीज टेस्ट इज यूज टू असेस ए फिफ्थ क्रेनियल नर्व, बी सेवंथ क्रेनियल नर्व, सी एट्थ क्रेनियल नर्व, डी टेंथ क्रेनियल नर्व। राइट आंसर इज सी, एट्थ क्रेनियल नर्व। कैलोरिक टेस्टिंग टू ब्रिंग द हॉरिजॉन्टल कैनाल इनटू द वर्टिकल प्लेन, द टेस्ट ऑफ हियरिंग थ्रेशोल्ड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑडिटरी कंपोनेंट ऑफ द एट्थ क्रेनियल नर्व। द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रिपोर्टेड बाई प्रेग्नेंट वुमेन इज 26 जुलाई 2012। वट इज द ईडीडी अकॉर्डिंग टू नेगल्स रूल? 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। नेगल्स रूल में है ईडीडी एलएमपी प्लस 1 ईयर माइनस 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। आप कैसे भी कर सकते हो। तो इसमें है 26 जुलाई, तो जुलाई का जो मंथ है वो 31st का है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 मई, और 2 मई के अंदर 9 मंथ और 7 डेज अपन इसके अंदर ऐड करेंगे तो 2 मई आ जाएगा, और 9 मंथ ऐड करेंगे तो नेक्स्ट जो ईयर भी वो चेंज हो जाएगी, तो 2 मई 2013 आ जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एन एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग फॉर फर्दर टेस्टिंग ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? ए कंसिस्ट इंक्रीज इन फंडल हाइट, बी फीटल हर्ट रेट इज 180 बीट पर मिनट, सी ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, डी क्विकनिंग। राइट आंसर इज सी, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। बी एच सी आर हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अर्ली साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर, सो प्ले इट सेफ एंड डोंट ट्राई टू मेक द डायग्नोसिस योर सेल्फ। इफ यू हैव नॉट हिट 37 वीक यट एंड यू आर हैविंग रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इफ यू हैव एनी ऑफ द साइन ऑफ प्रीटर्म। फॉर इफेक्टिव फीटल ब्लड सर्कुलेशन नर्स शुड एडवाइज द प्रेग्नेंट वुमेन टू टेक रेस्ट, सुपाइन पोजिशन, लेफ्ट लेटरल पोजिशन, राइट लेटरल पोजिशन, फुट एंड रेज। राइट आंसर इज बी, लेफ्ट लेटरल पोजिशन। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ रिसर्च थीसिस इज टर्म्ड एज ए पेपर, बी कंसेप्ट पेपर, सी समरी, डी एब्स्ट्रैक्ट। राइट आंसर इज सी, समरी। ये क्वेश्चन मैंने रिसर्च से लिया है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ रिसर्च थीसिस इज टर्म्ड एज समरी। द डाटा कलेक्टेड फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्टेड कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, सर्वे, हिस्टोरिकल स्टडी, एक्सपोर्ट फैक्टर। राइट आंसर इज ए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन्वॉल्व द रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉजल इफेक्ट ऑफ ए सर्टेन कंडीशन ऑन ए सर्टेन आउटकम। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट मीन, मीडियन, मोड और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें एक्सेप्ट है तो इसमें मीन, मीडियन और मोड है, वो तो राइट आंसर हो गए। एक्सेप्ट को अगर नहीं करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी की हो गई, और कोरिलेशन इनसे अलग हो गया, तो राइट आंसर इसमें होगा बी, कोरिलेशन। अपार्ट फ्रॉम द मीन, मीडियन एंड मोड आर द टू कॉमनली यूज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। द मीडियन इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ए मेजर ऑफ लोकेशन एज इट इज टेल अस वेयर द डाटा आर। दिस आर्टिकल डिस्क्राइब अबाउट मीडियन, मोड एंड ऑल्सो द गाइडलाइंस फॉर
selecting the appropriate measure of central tendency. Small scale version of the main research study which conducted as a trial run, mock exercise, pilot study, validating the study, analytical study. Right answer is C, validating the study. Pilot study are the small scale preliminary study which aim to investigate whether crucial component of a main study, usually a randomized control trial, will be feasible. For example, they may be used in attempt to predict an appropriate sample size for the full scale project and to improve upon various aspects of the study design. The first 5-year plan was started in the year A 1947, B 1955, C 1951, and D 1949. Right answer is C, 1951. Through the plan, economic development in India began in 1951 with the inception of first 5-year plan. Theoretical effort had begun much earlier. Even prior to the independence, setting up of National Planning Committee by Indian National Congress in 1938, the Bombay Plan and Gandhian Plan in 1944, Pupils Plan in 1945, Sarvodaya Plan in 1950 by Jay Prakash Narayan were step in this direction. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आगे और इसको आगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इस वीडियो में इतना ही. अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि आप लाइक करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और भी अच्छे कंटेंट लेके आएँ आपके लिए, और भी अच्छे क्वेश्चन तैयार करें आपके लिए. तो फ्रेंड्स, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे, इस वीडियो के आगे और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने बना रखी है. तो इस वीडियो में, क्योंकि ये पीडीएफ ये वीडियो है लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें आप भी बोर हो गए होंगे, इस वजह से मैंने इसको इतना ही स्टॉप किया है. नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम.